कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष वट सावित्री व्रत गुरुवार 10 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा का महत्व और पूजा करने की विधि। सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है वट सावित्री व्रत। यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक है। आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़ या फिर बड़ का पेड़ भी बोलते हैं, इसका पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को जन्मराज से भी छीन लिया की विधि। इस दिन स्त्रियां बड़े सवेरे स्नान करती हैं और केशों को धोती हैं। प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा के मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वटवृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा तथा सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी देनी चाहिए। जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, गुड़, फूल तथा धूप दीप से वटवृक्ष की पूजा की जाती है। जल से वटवृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर रुपये रखकर सास को चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि सास दूर हो तो बायना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। वट तदा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सुवासिनी स्त्री के पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायक होने का लक्ष्य से ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। यदि आपके आसपास बड़ का कोई पेड़ ना हो तो निराश ना हो, कहीं से एक टहनी मंगा लें अथवा दीवार पर वटवृक्ष को अंकित करके पूजा कर लें। पूजा आराधना में मुख्यतः महत्व भावना, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का है। अतः आप दीवार पर बड़ के पेड़ का अंकन करें या वास्तविक वटवृक्ष का पूजन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने का कामना से किया जाता है। इस दिन सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर प्रायः सामूहिक रूप में पूजा करने जाती हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ा दी जाती है। इस दिन स्वर्ण या मिट्टी से
सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप चंदन दीपक फल रोली केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। वट सावित्री की व्रत कथा अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। तब तक राधे राधे।